दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SD Sports 95 में। तो दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम PKL सीजन 9 का मैच नंबर 4 पुणे रिपल्टन वर्सेस पटना पायरेट्स इस मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम कल खेले गए यानी 7 अक्टूबर को खेले गए 3 मैचेस के रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों कल के पहले मैच में दबंग दिल्ली केसी की टीम ने यू मुंबई की टीम को 14 पॉइंट के बड़े अंतर से हराया है। दूसरे मैच में बेंगलुरु बुल्स की टीम ने तेलुगु टाइटंस की टीम को 5 पॉइंट के अंतर से हराया है और तीसरे मुकाबले में यूपी योद्धा की टीम ने जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम को 2 पॉइंट के अंतर से हराया है। दोस्तों ये थे कल के मैच के रिजल्ट्स। तो आज की इस खास वीडियो में हम सबसे पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 देखेंगे, बाद में दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखेंगे, फिर दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे और आखिर में हम दोनों टीमों की प्रेडिक्शन करेंगे। तो दोस्तों PKL सीजन 9 का मैच नंबर 4 कौन सी टीम जीत सकती है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में साइड की बेल को भी प्रेस कर दे। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं। तो पहले हम पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7 देखते हैं। तो पटना की स्टार्टिंग 7 में हमें सचिन तंवर, रोहित गुलिया, सुकेश हेगड़े, साजन सिंह, नीरज कुमार, सुनील कुमार और मोहम्मद रेजा शादलू ये खिलाड़ी खेलते दिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम पुणे रिपल्टन टीम की स्टार्टिंग 7 देखें तो मोहित गोयत, असलम इनामदार, मोहम्मद नबी बख्श, अभिनेश नादराजन, संकेत सावंत, सोमवीर और फजल अतराचली ये खिलाड़ी हमें खेलते दिख सकते हैं। दोस्तों दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 देखें तो दोनों ही टीमों की स्टार्टिंग 7 काफी ज्यादा मजबूत लग रही है। तो अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस देखते हैं। दोस्तों हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो अब तक दोनों टीमें आपस में 17 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें पटना पायरेट्स की टीम ने 13 मैचेस जीते हैं, तो पुणे रिपल्टन की टीम ने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस टाई हुए हैं। दोस्तों हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो यहां पर पटना पायरेट्स की टीम काफी आगे है पुणे रिपल्टन की टीम से। तो दोस्तों अब हम दोनों टीमों को एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों दोनों टीमों ने PKL सीजन 8 की टीम ही PKL सीजन 9 में रखी है। दोनों ही टीमों ने PKL सीजन 9 में अपने टीम में बस मिनिमम चेंजेस किए हैं। दोस्तों दोनों टीमों के डिफेंस की बात करें तो दोनों ही टीमों का डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है और रेडिंग की बात करें तो पुणे रिपल्टन की टीम थोड़ी आगे है पटना पायरेट्स की टीम से, क्योंकि दोस्तों पुणे रिपल्टन के पास मोहित गोयत और असलम इनामदार जैसे इन फॉर्म रेडर्स है और उनको सपोर्टिंग रेडर के तौर पर पंकज मोहिते और मोहम्मद नबी बख्श जैसे रेडर्स है। और दोस्तों पटना पायरेट्स की तरफ से सचिन तंवर ही अच्छी फॉर्म में है। मोनू, रोहित गुलिया और सुकेश हेगड़े इनका फॉर्म पिछले सीजन एवरेज रहा था। तो दोस्तों अब हम आखिर में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये मैच दोनों टीमों के रेडिंग पर ही डिसाइड होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों टीमों का डिफेंस बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इसीलिए जो टीम रेडिंग में अच्छा करेगी वही टीम ये मैच जीतेगी। तो हमारे हिसाब से ये मैच पुणे रिपल्टन की टीम 7 पॉइंट के अंतर से जीत सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये मैच कौन सी टीम जीत सकती है कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।